विधानसभा के दौरान जब स्पीकर की तरफ से प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव के अंदर हमारे नेता प्रतिपक्ष, उपनेता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, ये तीनों लोग मिलने के लिए गए थे और उन्होंने सहमति इस बात की बनी थी कि क्वेश्चन ओवर होगा, क्वेश्चन ओवर के बाद में शून्यकाल के अंदर इस विषय के ऊपर प्रतिपक्ष के द्वारा विषय वस्तु रखी जाएगी और तत्काल सरकार उसका जवाब देगी। उस जवाब से यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और उपनेता ये अगर संतुष्ट हैं तो सदन की कार्रवाई चलेगी, और यदि सरकार ने घोलमोल जवाब देने की कोशिश की या तथ्यों से परे जाकर बात करने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी जो कल वाला जो स्टैंड था वो स्टैंड बरकरार रखेगी। विधानसभा अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है, कोई पिन पॉइंट करके किसी का नाम नहीं लिया है। देखिए, सबूत तो यही है कि मुख्य सचेतक के द्वारा FIR का दर्ज कराना और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के OSD के द्वारा उस पेनड्राइव के अंदर उन वार्तालापों को SOG को देना, ये क्या सबूत से कम है? सबूत एक नहीं अनेकों हैं और इस बात की पुष्टि भी होती है कि आज हर मान्य विधायक इस बात से भयभीत है। अगर कोई बात अपने निजी जीवन के बारे में भी कोई व्यक्ति करता है तो वो भी कहता है कि व्हाट्सएप के ऊपर आके करो। इतना डर के माहौल के अंदर सरकार, जिस तरीके से सदन के नेता ने विधानसभा के अंदर कहा था कि फ़ोन टैपिंग जैसी कोई प्रकरण नहीं हुआ, लेकिन सरकार जवाब के अंदर कह रही है कि हाँ बिल्कुल फ़ोन टैपिंग करते हैं और होते आए हैं, लेकिन नियमों के अंदर आप करो तो बात समझ में आती है। प्रदेश की सुरक्षा से अगर जुड़ा हुआ कोई विषय है तो आप फ़ोन टैपिंग करें, कोई दिक्कत नहीं। कोई आपराधिक व्यक्ति को अगर पकड़ना हो फ़ोन टैपिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए और अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए इस तरीके से किसी जनप्रतिनिधि को ब्लैकमेल करने की मंशा रखते हुए अगर कोई फ़ोन टैपिंग करता है, मेरे ख्याल से ये अनुचित है। वो तो सदन के अंदर जब वार्ता आएगी तो वो सारी चीज़ें बता देंगे कि किस किस से फ़ोन टैपिंग हो रहे हैं, और कल जो नारे लगे हैं वो भी सब प्रमाणिकता है। अगर जिनका नाम लिया गया, अगर उनमें से एक को भी कोई आपत्ति होती तो आके कहते कि साहब हमारे नहीं हुए। डोटासरा जी ने सदन में कहा कि आप गजेंद्र सिंह शेखावत जी को एक्सपोज करना चाह रहे हैं। देखिए, डोटासरा जी प्रदेश के कांग्रेस के मुखिया हैं, वो अपने पद की गरिमा के अनुसार वक्तव्य दें तो अच्छा है, लेकिन कभी भी वो अपने पद की गरिमा के अनुसार नहीं देते। वो इधर उधर की बातें करके मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश हमेशा करते हैं। भाई साहब, महिलाओं पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा है, एक वार्ड बॉय ने एक वेंटिलेटर पे जो महिला थी उसके साथ अत्याचार किया है, किस तरीके से देखते हैं? मैंने कल भी एक बात कही थी कि राजस्थान के अंदर इस तरीके के अपराधों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए नज़ीर पेश करने की ज़रूरत है, और नज़ीर इस बात की कि इस तरीके के कृत्य, आज महिला थाना सुरक्षित नहीं है, पुलिस थाने सुरक्षित नहीं है, चिकित्सालय सुरक्षित नहीं है, तो आखिरकार ये मनोबल व्यक्तियों का बढ़ क्यों रहा है? इन आपराधिक गतिविधियों के अंदर जिस तरीके के अपने मंसूबे को अंजाम देने का काम ये लोग कर रहे हैं, इनके अंदर डर खत्म हो गया, और डर पैदा करने का एकमात्र तरीका यही है कि कानून के दायरे के अंदर कठोर से कठोर सज़ा मिले, समय अवधि के अंदर मिले, तत्काल इन्वेस्टिगेशन हो, तत्काल न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो और सज़ा मिले और जेल की सलाखों के पीछे जाए। मुझे लगता है कि व्यक्तियों के अंदर कानून का और सरकार का भय पैदा होगा। जिस प्रकार से फ़ोन टैपिंग कल हमने दिन भर इस पर आक्रोश व्यक्त किया, वेल में जाकर के हमने धरना दिया, उसके बाद हमारे नेताओं के साथ बातचीत में आज चर्चा के बारे में सहमति हुई है, मुझे लगता है कि हम ये प्रश्नकाल के बाद इस पर चर्चा होगी और चर्चा में हम भी अपना पक्ष रखेंगे और सत्ता पक्ष भी अपना रखेगा, उसके बाद उनका जवाब किस तरह का आता है उस पर हमारी अगली रणनीति निर्धारित होगी, क्योंकि हमारा स्पष्ट आरोप है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र में जो आपने टेपिंग करके लोकतंत्र की हत्या की है उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। उसके पहले विभिन्न राज्यों के दो मुख्यमंत्री इसी फ़ोन टैपिंग को लेकर के इस्तीफा दे चुके हैं, अतः हमारी मांग रहेगी और ये इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, 4 FIR दर्ज हैं जिसके हमने नंबर बता दिए और मुख्य सचेतक ने FIR दर्ज करवाई है, उसे उन्होंने नाम लिखे हैं, उसके बाद क्या प्रमाण चाहते हैं ये हमें समझ में नहीं आता। नहीं, फिर भी चर्चा में हाँ भरी है तो हम निश्चित रूप से भाग लेंगे और अपना पक्ष रखेंगे, और हमारा मत होगा कि सरकार, मुख्यमंत्री जी इस पर अपना स्पष्ट वक्तव्य देते हुए मांग रहेगी कि त्याग भाई, उन्होंने जिनके नाम लिखे हैं उसे बमलाल शर्मा का भी नाम है और बाकी 2-3 लोगों के उन्होंने नाम, जिनको नाम वो तो वो आज बताएं, हम तो उनसे ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने FIR दर्ज करवाई है, FIR दर्ज करवाई होगी तो ऑथेंटिक होगी, एक SOG को करवाई है और 3 आपने और कराई हैं,
तो जब आपने FIR दर्ज कराई तो नाम दिए ही हैं, तो जब प्रमाण है तो उसके बाद तो आप कम से कम जो है आकर के अपना स्वीकार करो और इसका जवाब दो, जवाब नहीं दे सकते हो तो त्याग पत्र दो। सर, जयपुर के एक अस्पताल में एक वार्ड बॉय ने महिला के साथ अत्याचार किया, जिस तरीके से महिलाओं के विरुद्ध जो मामले बढ़ रहे हैं उसके ऊपर क्या? वैसे तो पिछले दिनों लगभग जब से ये कांग्रेस सरकार आई है दिनों दिन महिला दुष्कर्म रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। कभी पुलिस थानों में नहीं सुनते थे, और पुलिस थानों में SHO और यहाँ तक RPS के अधिकारी लिप्त होने लग गए। अस्पतालों में इस प्रकार का है, ये दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय है। इसके लिए मुझे लगता है कि हालांकि कठोर कानून भी एक बना हुआ है, लेकिन केवल कानून बनाने से नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता होगी। और इनको जब तक सही समय पर कठोर निर्णय और जब तक इनको सज़ा नहीं मिलेगी तब तक ये नहीं रुकेंगे। अब तक लंबे समय तक सज़ा चलती है कि वह प्रमाणों के रूप में ये बच जाते हैं, तो इसके लिए आज कहीं भी कोई महिला सुरक्षित नहीं है। इसका पूर्ण दोष आज अशोक जी गहलोत पर हैं, जो मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी हैं। इसलिए पूर्णकालीन गृह मंत्री को तत्काल नियुक्त करें और इसका सारा समीक्षा करते हुए कठोर, केवल FIR दर्ज कराने से गाड़ी नहीं चलेगी। अपराधियों में जब तक भय का वातावरण ये नहीं करेंगे तब तक इसमें कोई सुधार आने की गुंजाइश नहीं। आपको लगता है सर FIR दर्ज कर रहे हैं इसलिए प्रकरण बड़े हुए आ रहे हैं? सर आपको लगता है कि कठोर कानून हो, सरेरा फांसी देनी चाहिए जैसे गल्फ कंट्रियों में होता है, तभी महिलाओं के प्रति उत्पीड़न रुकेंगे? निश्चित रूप से जो कठोर निर्णय है उसमें कानून की पालना करते हुए, आप कई बार तो डायरी पेश नहीं होती, कई बार चालान पेश नहीं होता, कई बार मुकदमे जो है कोर्ट तक ही जाने में कई समय लगा देते हैं, तब तक प्रमाण और बाकी सब जो आरोपी के समय जो होते हैं जवाब, उसके गवाह वो जो है इधर उधर हो जाते हैं। इसलिए तत्काल एक टाइम पीरियड तय होना चाहिए, निश्चित समय, जिसमें आप पूर्ण जांच करके वहां पे चालान पेश कर दोगे और दैनंदिन सुनवाई करके उसको सजा मिलेगी। निजी अस्पतालों में महिलाओं की आबरू के ऊपर हाथ डालना कितना घिनौना दुष्कृत्य है? मतलब बहुत ही घिनौना का कृत्य है। इसलिए इस पर जो हॉस्पिटल के संचालक हैं उनको भी इसमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा, क्यों जिम्मेदार वो भी है, क्यों उनका एम्प्लॉय है, तो इसके एम्प्लॉय को भी इस प्रकार के न रखें और कहीं घटना ध्यान आती है तो तुरंत तत्काल उनको सेवा से मुक्त करके और कार्रवाई की जानी चाहिए। निश्चित रूप से हर अस्पताल में और अब तो थानों में सब जगह CC कैमरा की आवश्यकता है, जिससे हम जो है जो अपराधी हैं उन तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुँच सकें।